स्टार्ट करें भाई। साउंड प्रॉपर है? चलिए भाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी सीटेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अपनी सीडीपी की क्लास चल रही है। और सीडीपी की क्लास में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को करा रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको कराया जा रहा है। इसका आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, और वो बेनिफिट देखने को मिलेगा मेरे भाई कि जो क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो पेपर में डायरेक्टली हिट करें, एग्जाम में सीधा का सीधा आपको फंस जाए। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से जरूर फंसेंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ, आप क्या पढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो यूट्यूब भरा पड़ा है, कहीं से कुछ भी पढ़ते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा भी नहीं। क्लियर? तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उनको लगाइएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम आपको लगवा रहे हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, डायरेक्ट लैंग्वेज बदल बदल कर क्वेश्चन आते हैं, सीधा आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और अपने पेपर में हमने 10 क्वेश्चन करा दिए थे और 10 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके थे। 10 के बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अब हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन सॉरी 20 तक हो चुके थे, 20 से ऊपर अब आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग छापिए। चलिए भाई, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे भाई, कथन स्टेटमेंट दे रखा है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जब भी आपका वर्ड दिख जाए ना, विविध विधियों का, मल्टीपल प्रोस्पेक्ट का आप यूज करते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट का यूज करते हैं और मल्टीपल मेथड्स का यूज करते हैं टीचिंग के अंतर्गत, एवेल्यूएशन के अंतर्गत, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और ये बात सही भी होती है, जब आप आकलन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप एक ही दृष्टिकोण पर रखकर कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको गलती हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप जो इवेल्युएशन की प्रोसेस है उससे कहीं ना कहीं हट जाएंगे। इवेल्युएशन जो होता है उसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट को साथ लेकर चलना होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट का रीजन दे रखा है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता, चाहे सफलता हो या असफलता हो, को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही सही या पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखिए, नोट दे रखा है लेकिन फिर भी सही बात है, आप बच्चे को केवल और केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही निर्धारित नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये बोले कि सर हमने एक टेस्ट पेपर ले लिया और टेस्ट पेपर में बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो बच्चा सफल स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ रहा है, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि इवेल्यूएशन के कई सारे प्रोसेस होते हैं, अगर आप टेस्ट पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं और उसके आधार पर बोल रहे हैं, तो वो एक समेटिव असेसमेंट का पार्ट हो जाएगा, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन का पार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको योगात्मक मूल्यांकन ना करके रचनात्मक मूल्यांकन करना होगा, यानी कि आपको कैसा करना होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहां पर जरूरत होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको करना होगा योगात्मक मूल्यांकन को छोड़ के। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, और ये इस वाली बात को कहीं ना कहीं फॉलो भी कर रहा है कि देखिए भाई, पेपर पेंसिल मत कीजिए यूज, आप विविध प्रकार के जो मेथड्स हैं उनका यूज कीजिए। तो बात बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि आपका आज का सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर लगाइए। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, ये आपको बताना है। किसी संप्रदाय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है, इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो, पहले क्या दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो। एग्जाम्पल देने के बाद आप कर क्या रहे हो, फिर टीचर क्या बोल रहा है स्टूडेंट से, देखिए भाई अब आपको रूल बनाना है इसके ऊपर।
यानी कि एग्जाम्पल टू रूल जो चलती है उसे बोलते हैं आगमनात्मक शिक्षण विधि। शिक्षण की कई सारी विधि होती है जिसमें निगमनात्मक शिक्षण विधि, आगमनात्मक शिक्षण विधि और भी कई सारी विधि होती हैं, विश्लेषणात्मक विधि होती है, संश्लेषणात्मक विधि होती है। तो जो आगमनात्मक विधि होती है वो बोलती है कि पहले आप स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल दीजिए और उस एग्जाम्पल के आधार पर आप उसे रूल बनाना सिखाइए। ये होती है आगमनात्मक विधि। इसमें क्या होता है, नियम से ये उदाहरण की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है और ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसका मतलब जो बेस्ट मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, वो आपकी सेकंड मानी जाती है, आगमनात्मक शिक्षण विधि जो कि सही मानी जाती है। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आसान सवाल है। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापिका अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग पर बढ़ावा देने के लिए। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कौन करता है, लेबेगोस के हिसाब पर करते हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो एक पॉजिटिव आंसर पूछने की कोशिश कर रहा है, तो नेगेटिव तो आपकी गलत ही हो जाएंगे। कठोर बोल रहा है, अटल नियम जो बदले नहीं जा सकते, ये तो गलत ही हो गया। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत करना, मापदंड का पालन न करने पर विद्यार्थियों की भर्त्सना करना, आप भर्त्सना करोगे। मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि देखिए जब आप मापदंड बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, उस समय स्टूडेंट की सहभागिता होनी चाहिए। स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं, जो नियम हैं उनमें स्टूडेंट अपने व्यू दे सकें। क्लियर, तो ये वाली बात बिल्कुल सही होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आया है भाई बेहतर वाला, अच्छा सवाल है, इसका आंसर लगाइए। वह विकल्प चुनिए जो संदर्भों का सही चुनाव करता है, जो जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो बच्चे कहाँ कहाँ अधिगम पर कर पाते हैं, तो खेलकूद, घर और कच्चा कच्च तीनों में अधिगम कर पाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे खेलकूद, घर और कच्चा कच्च सबसे अधिगम कर पाते हैं। ये आपका जो होता है घर प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है, कच्चा कच्च की बात करें और खेलकूद की बात करें तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट होता है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था होती है जो कि विकास में सहायक भूमिका निभाती है। क्लियर है। चलिए लगाइए इस सवाल का सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है, तो आपसे नेगेटिव पूछा है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सही बात है लेकिन गलत होगा क्योंकि आपसे गलत पूछा है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों पर को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही है, इस वजह से गलत होगा। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी सही है लेकिन गलत होगा। फिर तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही बचा। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना चाहिए, तो ये आपका गलत होगा। आप क्या कर रहे हो, एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर बल दे रहे हो, तो ये आपका गलत जवाब होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। गलत था इस वजह से सही था क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है, कौन सा है जो संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का अभिलक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को निष्क्रिय नहीं कर सकते, आप अधिगमकर्ता लर्नर को ही निष्क्रिय कर देंगे, फिर यह संरचनावादी कहाँ होगी। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करना, मेमोराइजेशन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रोट की मेमोराइजेशन की इमिटेशन की कोई जरूरत नहीं होती। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए जीवन की रचना के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। आप जो पिछले अनुभव हैं उनका प्रयोग नए जीवन को जीने के लिए कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सरल था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं थी।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? आपसे अवरोधक पूछी है यानी कि नेगेटिव पूछा है। त्रुटिया अधिगम का प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बात तो सही है, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। लज्जाजनक नहीं है भाई। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। सही बात है, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियों के लिए मौका मिलना चाहिए। यह भी सही है, एक ही गलत है जो अवरोध का काम करेगा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर छापिए लगाइए। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट है? देखिए दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है इसमें क्या है, ये एक लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, लंबे समय तक अभिप्रेरणा काम करती है, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ समय के लिए ही आपका काम आता है। क्लियर है, अंदर से जो आने वाला है वो इंटरनल होगा, बाहर से जो पुरस्कार वगैरह दंड वगैरह जो दिए जाते हैं वो एक्सटर्नल के पार्ट होते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अपने विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नकद इनाम पाने हेतु रयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। सितारा अपने स्वयं का संतोषण है के लिए अपने बड़े के नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, तो इंटरनल होगा। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है, तो व्यक्तिगत अभिवृत्ति इंटरनल का होगा। नकद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है, तो इनाम पाना एक तरीके से एक्सटर्नल होता है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है, ये भी इंटरनल होगा। तो आपसे क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा जो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर छापिए। COVID-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? COVID-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, या किस प्रकार के संबंधों को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता, संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता, निष्पादन, आनुवंशिकता और वातावरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो, शिक्षक निर्देशित नहीं होना चाहिए, सहपाठियों द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, स्वनिर्देशित चल सकता है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, सेल्फ डायरेक्टेड, डायरेक्टेड बाई पीयर्स। ये तो भाई बहुत अच्छा सवाल है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो, स्वनिर्देशित ज़्यादा बेहतर माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन पर जाएंगे अब। और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो भाई आप लोगों की गलती है, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।